ये सरकार जिस जनता पर निर्भर है उस जनता के साथ ही धोखा हुआ है। जनता ही आज दुखी है, देश के माताओं को बहनों को, कि जिस तरह गैस सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है, महंगाई की मार है। इस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी कब बोलेंगे? नौजवानों को अगर आत्मनिर्भर बना दें, उनको रोजगार दे दें, तो उससे बड़ा तोप हमारे देश में और कुछ नहीं हो सकता है, उससे बड़ी ताकत नहीं हो सकती है। आज नौजवान दुखी है, किसान दुखी है, सिर्फ इधर उधर की बात करके प्रधानमंत्री जी अपनी भाषण समाप्त कर लेते हैं, लेकिन आज स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष में भी देश को, देशवासियों को ये उम्मीद थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी कुछ बात ऐसी करेंगे जिससे देश के लोगों का, गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का, नौजवानों का कल्याण होगा। मृत्युंजय तिवारी जी हैं, प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय जनता दल के। सबसे पहले आपको प्रवक्ता बनने के लिए बधाई। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी ने फिर कहा है कि आत्मनिर्भर भारत लाल किला के प्रांगण से फिर एक बार। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। भारत आत्मनिर्भर था, है और रहेगा। आत्मनिर्भर की बात कर करके बीजेपी तो पहले सरकार में 22 वर्षों से जो रोजगार की बात की थी, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, 16 करोड़ रोजगार की बात तो नहीं हो पाई। किसानों पर बात नहीं की, हर घर हर लोगों को देने की बात हुई थी, उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं की। महंगाई पर नहीं बात की। गरीबों का थाली खाली है, कब प्रधानमंत्री जी की नजर जाएगी? आत्मनिर्भर भारत को बनाने की बात, आत्मनिर्भर तो भारत था, आत्मनिर्भर ये सरकार जिस जनता पर निर्भर है उस जनता के साथ ही धोखा हुआ है। जनता ही आज दुखी है। बहुत आस और उम्मीद था नौजवानों को, किसानों को, देश के माताओं को, बहनों को, कि जिस तरह गैस सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है, महंगाई की मार है। इस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी कब बोलेंगे? उनका कहना है कि पहली बार 75 साल में जो है, जो तोप से सलामी दी गई है, वो मेक इन इंडिया का तोप। देखिए, मेक इन इंडिया का तोप तो पहले भी रहा है। इस देशवासियों के 130 करोड़ देशवासियों के अंदर जो जोश है, जो उत्साह है, जो उमंग है, स्वतंत्रता दिवस 75वें साल में जो इसको लेकर के, ये अपने आप में पूरा देश का नौजवान तोप होता है। हम नौजवानों को अगर आत्मनिर्भर बना दें, उनको रोजगार दे दें, तो उससे बड़ा तोप हमारे देश में और कुछ नहीं हो सकता है, उससे बड़ी ताकत नहीं हो सकती है। आज नौजवान दुखी है, किसान दुखी है। कहना है प्रधानमंत्री जी की जो यहाँ भारत के जो बच्चे हैं वो अब बाहरी खिलौना से खेलना नहीं चाहते हैं, मेक इंडिया खिलौना से ही। सबसे ज्यादा तो खिलौना भारतीय जनता पार्टी के लोग ही विदेशी चीजों का उपयोग करते हैं, हम लोग तो देसी लोग हैं। ये डिजिटल इंडिया और डाटा की बात करने वाले, यहाँ आटा मिल नहीं रहा है लोगों को, खाना मिल नहीं रहा है, रोजगार मिल नहीं रहा है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये सब इधर उधर की बात बहुत हो गई। आज नमामि गंगे योजना, जितना भी योजना का प्रधानमंत्री जी ने पिछले 8 वर्षों में घोषणा किया 15 अगस्त लाल किले से, उसका क्या हुआ, ये तो देश जानना चाहता है। तो सिर्फ इधर उधर की बात करके प्रधानमंत्री जी अपनी भाषण समाप्त कर लेते हैं, लेकिन आज स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष में भी देश को, देशवासियों को ये उम्मीद थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी कुछ बात ऐसी करेंगे जिससे देश के लोगों का, गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का, नौजवानों का कल्याण होगा। ठीक है सर, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फिर से एक बार से लाल किला से जो है कई भाषण दिए, लेकिन अब पिछला जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, चाहे 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी हो या हर घर हर लोगों को जो है पक्का मकान हो, ये सब बात को लेकर के जो है, जो मृत्युंजय तिवारी हैं जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक तरह से सवाल उठाए। फिलहाल आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, स्वतंत्रता दिवस है आज, आप भी मजाक कीजिए और देश के जो फ्रीडम फाइटर हैं उनको याद कीजिए।
जनता जंक्शन आप देख रहे हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।